आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं दोस्त कि आप खुद से ई कॉमर्स वेबसाइट कैसे बना पाएंगे और ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने के लिए अपने को क्या क्या चीज़ें की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, सारे डिटेल्स इस वीडियो में मैं दोस्त बताने वाला हूं। तो दोस्त मैं सबसे पहले आपको डेमो दिखा दूं कि मैं यहां पे किस तरह का वेबसाइट मैं आपको बताऊंगा कि बनाना है। यहां पे जो ये वेबसाइट है, ये ई कॉमर्स वेबसाइट है, जैसे दोस्त आप देख लीजिए यहाँ पे प्रोडक्ट लिस्टेड है। आप किसी भी टाइप का यहाँ पे प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं, आपका किसी भी कैटेगरी से आपका बिजनेस हो, आप उस बिजनेस का प्रोडक्ट यहाँ पे लिस्ट कर सकते हैं या अपने क्लाइंट के लिए इस तरह का वेबसाइट बना सकते हैं। दोस्त आप देख लीजिए इस वेबसाइट का डेमो यही है, कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी आपके लिए बेहतर साइट बन सकता है। इस साइट को बनाने के लिए दोस्त अपने को ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है, बस ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और ये साइट रेडी हो जाएगा घंटों में। दोस्त चलिए शुरू करते हैं। अपने को वेबसाइट बनाने के लिए दोस्त सबसे पहले अपने को होस्टिंग और डोमेन की जरूरत पड़ती है, जो कि होस्टिंग और डोमेन दोस्त आप यहां से बाय कर सकते हैं hostinger.in से, जो कि आपको बहुत ही कम प्राइस में आपको होस्टिंग और डोमेन यहां पर मिल जाता है। डोमेन आपको फ्री में मिल जाता है, होस्टिंग सिर्फ आपको बाय करना होता है। तो दोस्त अगर मैं आपको एक बात बताऊँ कि अगर आपको 20% का एडिशनल डिस्काउंट अगर आपको चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे आप क्लिक करके आएंगे तो आपको यहाँ पे जितना भी आपका बिलिंग होगा उसमें आपको 20% का एडिशनल आपको डिस्काउंट हो जाएगा। यहाँ पे ऐसे 75% यहाँ पे डिस्काउंट है और इसमें के बाद जितना का आपका बिलिंग होगा उसमें 20% का और आपको डिस्काउंट हो जाएगा। सिर्फ आप लिंक पर क्लिक करके आएंगे तो आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अब यहाँ पे दोस्त आप आएंगे तो यहाँ पे होस्टिंग पे आएंगे और यहाँ पे वेब होस्टिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दोस्त आपको ये वाला ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे सिंगल वेब होस्टिंग मिल जाएगा और यहाँ पे प्रीमियम मिलेगा, बिजनेस मिलेगा, क्लाउड स्टार्टअप मिलेगा। तो दोस्त आपको यहाँ पे चूज करना है प्रीमियम वाला। प्रीमियम वाला इसलिए चूज करना है क्योंकि इसमें आपको 100 वेबसाइट मिल जाएगा होस्ट करने के लिए। मान लीजिए कि अभी एक वेबसाइट बना रहे हैं, फ्यूचर में 2-3 और भी वेबसाइट बना रहे हैं, तो दोस्त आपको अलग से होस्टिंग बाय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इसी होस्टिंग पे उस वेबसाइट को भी होस्ट कर पाएंगे। लेकिन अगर आप सिंगल डोमेन वाला लेते हैं तो दोस्त आप एक ही वेबसाइट यहाँ पे होस्ट कर पाएंगे और आपको यहाँ पे 50 GB SSD मिलता है, लेकिन इसमें 100 GB SSD मिलता है और साथ में दोस्त आपको यहाँ पे डोमेन भी आपको फ्री में मिल जाता है। और ये वाला प्लान बाय करेंगे तो आपको यहाँ पे डोमेन फ्री में नहीं मिलेगा। ओके दोस्त, तो मान लीजिए कि अगर ये वाला प्लान अगर आप लेते हैं ऐड टू कार्ट करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ऐड टू आप कार्ट जैसे ही करेंगे तो दोस्त आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे 4 साल के लिए यहाँ पे आपको होस्टिंग मिल जाएगा, जो कि दोस्त आप 4 साल का प्लान देखेंगे तो यहाँ पे बहुत ही कम प्राइस में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे 8,439 रुपये में मिल जाएगा, जिसमें कि अगर आप लिंक पर क्लिक करके आएंगे तो उस पर आपको 20% का एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा, जो लगभग आपको 1500-1600 रुपये का डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा। अगर मान लीजिए कि अगर आप 2 साल के लिए लेते हैं तो 2 साल में भी आपको जितना का होस्टिंग होगा, मान लीजिए 5,000 का हो रहा है, तो यहाँ पे 1,000 और इसमें डिस्काउंट हो जाएगा, 20% एडिशनल आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, जो कि 4,000 में मिल जाएगा। लेकिन मैं दोस्तों आपको सजेशन दूंगा कि आप 2 साल के लिए या 4 साल के लिए आप होस्टिंग बाय कीजिए। इसलिए मैं बोलूँगा कि क्योंकि दोस्त आप जब रिन्यूअल करेंगे ना तो आपका जो यहाँ पे रिन्यूअल प्राइस दिख रहा है इस प्राइस पे आपका रिन्यूअल होगा। तो इसलिए मैं दोस्त बोल रहा हूँ कि आप ज़्यादा समय के लिए लीजिएगा तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। ओके दोस्त, अब ये चीज़ मान लीजिए कि आपके यहाँ पे होस्टिंग बाय कर लिए, डोमेन भी बाय कर लीजिए, डोमेन तो आपको फ्री में मिल जाएगा। यहाँ पे आप लॉगिन कर लीजिए फेसबुक या गूगल से। आप जब ये होस्टिंग बाय कर लेंगे तो इसका जो डैशबोर्ड होगा, मैं डैशबोर्ड आपको दिखा देता हूँ। जब आप दोस्त होस्टिंग बाय कर लेंगे तो कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस मिल जाएगा देखने को। तो दोस्त आपको यहाँ पे अपना क्या करना है कि यहाँ पे डोमेन सेलेक्ट कर लेना है, आपका जो भी डोमेन हो उसे आप सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे मेरे पास सब डोमेन है तो मैं सब डोमेन को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने दोस्त यहाँ पे सब डोमेन को सेलेक्ट कर लिया हूँ। उसके बाद दोस्त आपको यहाँ पे नीचे में आइएगा तो सबसे पहले दोस्त आपको यहाँ पे https आपको क्लिक कर देना है, यहाँ पे आपका SSL इंस्टॉल हो जाता है। ओके दोस्त, नीचे में आइएगा तो दोस्त आपको यहाँ पे इंस्टॉल वर्डप्रेस का ऑप्शन आएगा, तो इस पर आपको इंस्टॉल पे क्लिक करना है। इंस्टॉल पे जैसे ही दोस्त आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो आप अपने वेबसाइट का यहाँ पे नेम दे दीजिए, जो भी नेम हो, और यहाँ पे यूजर आईडी दे दीजिए और यहाँ पे पासवर्ड डाल दीजिए। इसी पासवर्ड से दोस्त आपका जो वेबसाइट होगा वो लॉगिन होगा। ओके दोस्त, आप इस पासवर्ड को कहीं नोट कर लीजिएगा डाल के। इसके बाद दोस्त आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देना है। जब आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा तो दोस्त आप यहाँ पे FORCE HTTP को इनेबल कर दीजिए। इसके बाद दोस्त यहाँ पे एडमिन पैनल पे आपको क्लिक कर देना है। एडमिन पैनल पे दोस्त आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्त आपको सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पे नीचे में आना है और नीचे में आने के बाद दोस्त आपको यहाँ पे एक सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, तो यही सेटिंग पे आप आइएगा और यहाँ पे जनरल सेटिंग आपको मिल जाएगा। तो इस जनरल सेटिंग पे आप क्लिक कीजिएगा। जनरल सेटिंग पे क्लिक करने के बाद दोस्त आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे साइट का टाइटल डालना है, जो भी आपका साइट का नाम हो। उसके बाद यहाँ पे आपको टैगलाइन डाल देना है, जो भी आपका टैगलाइन हो, मान लीजिए कि मेरा ये टैगलाइन है। इसके बाद दोस्त आपका यहाँ पे ईमेल आईडी होगा और यहाँ पे आपको अपने टाइम जोन सेलेक्ट करना होगा, जो कि +5:30, जो भी आपका टाइम जोन हो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक कर दीजिए। इतना करने के बाद दोस्त आपको एक और काम करना है, यहाँ पे जो परमालिंक है इस पर हमें क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे हम परमालिंक पे क्लिक करेंगे और इसके बाद दोस्त हम लोग अपना परमालिंक को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे अपने को नीचे में आना होगा, तो यहाँ पे दोस्त हो सकता है आपके केस में इस तरह का यहाँ पे परमालिंक सेलेक्ट होगा। दोस्त आपको क्या करना है कि यहाँ पे पोस्ट नेम को पे क्लिक करना है और यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों अपने को क्या करना है कि यहाँ पे आना है, अपीयरेंस पे आना है
और ये अपीयरेंस पे आएंगे तो यहाँ पे थीम का ऑप्शन मिलेगा, इस थीम पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम ऐड न्यू थीम पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम लोग जो थीम इंस्टॉल करने वाले हैं, इस थीम का नाम है अस्ट्रा। तो दोस्तों यहाँ पे इस अस्ट्रा थीम को हम लोग यहाँ से इंस्टॉल कर लेंगे। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे आपको अस्ट्रा थीम नहीं दिख रहा है तो दोस्तों आप यहाँ पे अस्ट्रा सर्च कर सकते हैं। कुछ इस तरह से आप यहाँ पे सर्च कर लीजिएगा तो यहाँ पे अस्ट्रा जो थीम है यहाँ पे शो हो जाएगा टॉप में, जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। कुछ इस तरह से यहाँ पे अस्ट्रा थीम शो हो जाएगा। उसके बाद आप इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ से आपके वेबसाइट पे जो अस्ट्रा थीम है इंस्टॉल हो जाएगा। अगर दोस्त इस तरह का एरर आए तो समझ लीजिए कि जो ये अस्ट्रा थीम है इंस्टॉल हो चुका है। अब अपने को क्या करना है कि यहाँ पे थीम्स पे आना है। यहाँ से मान लीजिए कभी कभार ये एरर आता है, हमेशा नहीं आता है। दोस्त आप यहाँ पे देखेंगे कि अस्ट्रा थीम यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है, इसे एक्टिवेट हम यहाँ पे कर देंगे। अब दोस्त इस थीम को एक्टिवेट करने के बाद दोस्तों अपने को यहाँ पे एक अस्ट्रा का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे अस्ट्रा पे आएंगे और यहाँ पे डैशबोर्ड पे क्लिक कर देंगे। डैशबोर्ड पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शंस बार यहाँ पे शो हो जाएगा। तब अपने को क्या करना है कि यहाँ पे स्टार्टर टैबलेट्स पे क्लिक करना और यहाँ पे इंस्टॉल एक्टिवेट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे इसको एक्टिवेट कर देते हैं। इसके बाद दोस्त कुछ इस तरह का ऑप्शन यहाँ पे आएगा। तो अपने को यहाँ पे एलिमेंटर को चूज करना है। एलिमेंटर को चूज करने के बाद दोस्त अपने को क्या करना है कि ये वाला जो टेम्पलेट है, इस टेम्पलेट को हम लोग चूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम और फ्री टेम्पलेट पड़े हैं। यहाँ पे जो टेम्पलेट है फ्री में है, तो इस टेम्पलेट को हम चूज करेंगे। अब इसके बाद दोस्त हम क्या करेंगे कि इस टेम्पलेट को कस्टमाइज करेंगे। तो इस टेम्पलेट को कस्टमाइज करना बहुत ही आसान है, बस आप दोस्त देखते जाइए कि इस टेम्पलेट को हम लोग कैसे कस्टमाइज करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले दोस्त आपको अपलोड फाइल का ऑप्शन आता है, जहाँ पे अपना जो डायमेंशन है, डायमेंशन में अपने को यहाँ पे फाइल को अपलोड करना है जो कि लोगो होगा। ओके दोस्त, यहाँ पे आप क्लिक कीजिए और यहाँ पे अपना लोगो को अपलोड कर लीजिए। जो भी आपका लोगो हो उस लोगो को आप यहाँ से अपलोड कर लीजिए। जैसे कि मान लीजिए कि मेरा लोगो इसी को मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ और मैंने यहाँ पे अब कंटिन्यू पे, जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे तो लोगो यहाँ पे चेंज हो चुका है। अब यहाँ पे अपने को कंटिन्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो भी आपको चेंज कलर करना हो आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसका चेंज फॉन्ट भी कर सकते हैं कुछ इस तरह से। यहाँ पे जो भी आपको लेआउट रखना हो, आप मान लीजिए कि अगर आपको ये लेआउट रखना है तो आप लेआउट को सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे फॉन्ट लेआउट को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे स्किप एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है, क्योंकि यहाँ पे अपडेट प्लगइन का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे स्किप एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों अपना डिटेल्स डालना है, जो कि आपका नाम और यहाँ पे ईमेल आईडी डालना है और यहाँ पे सबमिट बिल्ड माई वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। मैंने अपने यहाँ पे डिटेल्स डाल दिया। अब यहाँ पे सबमिट बिल्ड माई वेबसाइट पे क्लिक कर दिया मैंने। अपने को थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। जैसे दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं अभी 11% अपने को थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पे वेट करना है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे 11% कंप्लीट हुआ है, बस थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और 100% होते ही दोस्तों अपना नेक्स्ट प्रोसेस आ जाएगा। अब दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे कि 100% यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब अपने को यहाँ पे व्यू योर वेबसाइट का ऑप्शन मिल रहा है, तो इस पे हम क्लिक कर देंगे। मैंने जैसे ही व्यू योर वेबसाइट पे क्लिक किया तो दोस्त आप अपने वेबसाइट का लुक देखेंगे तो कुछ इस तरह का बन के रेडी हो गया है। यहाँ पे कुछ भी आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। अब इसमें सिर्फ अपने को कस्टमाइज करना है, यानी इसमें सिर्फ एडिट करना है। यहाँ पे दोस्त आप देख पा रहे हैं बिल्कुल सेम डिटो यहाँ पे जो डिजाइन है, बिल्कुल डिजाइन यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे सबसे पहले एक आपको सेटिंग बता देते हैं, उस सेटिंग के बाद मैं दोस्त आपको इसको कस्टमाइज करके दिखाऊंगा। यहाँ पे या कस्टमाइज ही करके पहले मैं दिखा देता हूँ कि अगर हम लोग इसको चाहें तो किस तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं। तो इसको कस्टमाइज करने के लिए दोस्त आप एडिट विथ एलिमेंटर पे आप क्लिक कर दीजिए। आप जैसे ही एडिट विथ एलिमेंटर पे क्लिक करेंगे यहाँ पे सारे चीज आप एक एक करके आप चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी आपको चीजें यहाँ पे एडिट करना हो आप यहाँ पे कर सकते हैं। अपना कोई टेक्स्ट है आप यहाँ पे डाल सकते हैं, कोई आपका यहाँ पे डिस्काउंट है तो आप यहाँ पे चला सकते हैं। जैसे दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं 25 को 15 कर दिया। अब यहाँ पे शॉप का यूआरएल यहाँ पे कुछ नहीं है, जो भी आपका शॉप पेज का यूआरएल हो आप यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे डाल दीजिए। ओके दोस्तों, यहाँ पे अगर कोई आप टेक्स्ट है यहाँ पे अलग दिखाना चाहते हैं तो आप दिखा सकते हैं। इसका कलर अगर आप दिखाना चाहते हैं या यहाँ पे आइकन लगाना चाहते हैं तो दोस्त आप यहाँ से आइकन भी लगा सकते हैं, जो कि आपको यहाँ पे आइकन बहुत सारे आपको आइकन मिल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे कलर इसका सेट कर सकते हैं, जो भी आपको कलर देना हो। यहाँ पे टेक्स्ट कलर है और यहाँ पे आपको बैकग्राउंड कलर भी मिल जाएगा, जो कि दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको बैकग्राउंड कलर यहाँ पे मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे है बैकग्राउंड टाइप। तो यहाँ से बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे एडवांस सेटिंग मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे फाइंड मोर वाला जो बटन है, यहाँ पे भी आप इसका लिंक चेंज कर सकते हैं या इस बटन को डिलीट भी कर सकते हैं। इसके बाद मान लीजिए कि जो बैकग्राउंड का इमेज है, अगर आप चाहते हैं बैकग्राउंड का इमेज चेंज करना है तो आपको सिंपल से यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपको स्टाइल पे आ जाना है और यहाँ पे आपको मिल जाएगा बैकग्राउंड इमेज, जो कि आप यहाँ से बिल्कुल चेंज कर पाएंगे। आपको यहाँ से फ्री इमेजेस मिल जाएगा, जो कि आप यहाँ से लेके आप यहाँ पे सेव एंड इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे ही मैंने सेव एंड इंसर्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पे इमेज जो है यहाँ पे चेंज हो गया है। तो दोस्त आप इस तरह से हर एक चीज आप चेंज कर पाएंगे। अब यहाँ पे मान लीजिए कि जो ब्रांड लोगो को दिया गया है आपका, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई और ब्रांड लोगो है, तो आप यहाँ से एक एक करके आप यहाँ से लोगो को चेंज कर सकते हैं। जैसे दोस्त आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इतने सारे यहाँ पे लोगो दिया गया,
है, आपको जो भी लोगो यहाँ से हटाना हो, डिलीट करना हो एड गैलरी में, आप यहाँ से कर सकते हैं। बिल्कुल सेम बहुत ही आसान तरीका है। और यहाँ पे मान लीजिए कि इस सेक्शन को अगर चेंजेस करना है तो इसके अंदर जो भी चीज है आप यहाँ से कस्टमाइज कर पाएंगे। यहाँ जो ये टेक्स्ट दिख रहा है आप यहाँ से इसको एडिट कर पाएंगे। मान लीजिए कि आपको जो भी डालना है आप यहाँ से डाल सकते हैं। इसके बैकग्राउंड का कलर इमेज जो चेंज करना है तो सेम ऐसा ही करना है, यहाँ पे क्लिक कीजिए और स्टाइल पे आ जाइए और यहाँ से जो भी आपको बैकग्राउंड इमेज आपको लगाना है फ्री में आप यहाँ से ले सकते हैं या अपना अपलोड कर सकते हैं, यहाँ से अपने कंप्यूटर से अपलोड कर सकते हैं आपके पास जो भी इमेज है, या तो फ्री आपको यहाँ से आपको इमेजेस मिल जाते हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं, जो कि कॉपीराइट फ्री इमेजेस होते हैं यहाँ पे, जो कि मैंने यहाँ पे एक इमेज यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया और इससे इंसर्ट पे क्लिक कर दिया है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जो इमेज है यहाँ पे आ चुका है। तो सेम ऐसे ही आप इस पूरे वेबसाइट को कस्टमाइज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, यहाँ पे जो भी आपको चेंजेस करना है आप कर सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कुछ और सेक्शन आपको ऐड करना है तो आप यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं। जैसे दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे शॉर्टकट दिया गया है, इस शॉर्टकट को आप चेंज कर सकते हैं और यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा ये इसका शॉर्टकट मिल जाएगा, जो कि आप सारे चीज चेंज कर सकते हैं। यहाँ का भी बैकग्राउंड इमेज चेंज कर सकते हैं और ये भी जो सेक्शन दिया गया हर एक सेक्शन को आप एडिट कर सकते हैं। और यहाँ पे एक्स्ट्रा कोई सेक्शन आपको ऐड करना है तो आप यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं, या मान लीजिए अगर आपको कोई टेम्पलेट्स ही ऐड करना है तो आपको यहाँ पे करना है क्लिक और यहाँ से कोई टेम्पलेट को चूज करके आप एडिट कर पाएंगे। बहुत ही आसान तरीका है यहाँ पे एडिट करना है, या कोई ब्लॉक्स हो गया तो ब्लॉक्स भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे फूटर मिल जाता है जो कि फूटर भी आप कस्टमाइज कर पाएंगे, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपका जब काम हो जाए तो दोस्तों आप यहाँ पे अपडेट पे क्लिक कर दीजिए। तो दोस्तों आप इस तरह से अपने होम पेज को कस्टमाइज कर पाएंगे कुछ अपने तरीके से। अब यहाँ पे विजिट साइट्स पे चलते हैं। अब होम पेज का लुक देखेंगे कि यहाँ पे काफी चेंजेस हो चुका है, जो कि मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज चेंज किया था तो यहाँ पे चेंज हो चुका है। अब यहाँ पे जो भी आप इमेजेस चेंज करेंगे, जो भी चीजें यहाँ पे चेंज करेंगे, सारी चीजें चेंज हो जाएगा। तो दोस्त आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। आप मान लीजिए कि यहाँ पे जो ये फूटर बार है इसको चेंजेस करना है, इसको चेंजेस करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है कि यहाँ पे कस्टमाइजेशन पे क्लिक कर देना है। कस्टमाइजेशन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे फूटर बार का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आप देखेंगे फूटर बिल्डर आपको मिल जाएगा, इस पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये वाला जो सेक्शन है इस सेक्शन को अगर ऐड करना है, एडिट करना है तो दोस्तों आपको इस वाले सेक्शन पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे कि चार सेक्शन बने हुए हैं यहाँ पे, तो चारों को आप एक एक करके एडिट कर सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे जो लोगो दिया गया है इस लोगो को आप रिप्लेस कर सकते हैं कुछ इस तरह से, अपने मीडिया लाइब्रेरी से जो भी आपका लोगो हो आप उस लोगो को यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे इसको इंसर्ट कर दीजिए। यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे कि यहाँ से इस लोगो को मैंने रिप्लेस कर दिया है। अब यहाँ पे जो भी आपका टेक्स्ट हो आप टेक्स्ट को अपने यहाँ पे डाल दीजिए और आपका काम हो गया। और यहाँ पे मान लीजिए इसको एडिट करना है तो यहीं पे एडिट पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ से जो भी लिंक आपको हटाना है, ऐड करना है, आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे ये सारे चीज़ का अलग अलग यहाँ पे लिंक बनाया गया है और यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे इसको एडिट करना है तो सेम इस पर क्लिक कीजिए और इसको एडिट करना है तो इस पर क्लिक कीजिए, आप इस तरह से बिल्कुल एडिट कर पाएंगे। मान लीजिए कि यहाँ पे कॉपीराइट वाला जो सेक्शन है इस पर क्लिक कीजिए, यहाँ पे आपको टेक्स्ट मिल जाएगा, आप यहाँ से इसको एडिट कर पाएंगे। और यहाँ पे जो सोशल वाला आइकन है आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, सोशल वाला आइकन भी आप यहाँ से चेंजेस कर पाएंगे। तो दोस्त आप इस तरह से अपने होम पेज को कस्टमाइज कर पाएंगे। अगर मान लीजिए कि आप अगर आपका हेडर जो है हेडर में अगर कोई चेंजेस करना है तो दोस्तों आप हेडर बिल्डर भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हेडर बिल्डर पे आप क्लिक कीजिएगा तो ये जो हेडर है इसमें भी आप कुछ चेंजेस कर पाएंगे, जैसे कि आपका लोगो है और यहाँ पे आपका मेन्यू बार दिया गया है, इसके बाद दोस्तों आपका अबाउट अस और यहाँ पे आपको लॉग इन करने के लिए अकाउंट का दिया गया है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे सारे चीज आपको मिल जाएगा और बारी बारी इन सबको चेंजेस कर पाएंगे अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, या इनका कलर चेंज करना है या इनका फॉन्ट चेंज करना है तो आप कर सकते हैं। ओके दोस्त, अब मान लीजिए कि अपना काम ये हो गया, अब यहाँ से हम ओके करके यहाँ से पब्लिश कर देते हैं इसको और बाहर निकलते हैं। मैं दोस्त जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ 15 से 20 मिनट का ही वीडियो मैं बना रहा हूँ, इसलिए सारी चीज़ें जल्दी जल्दी मैं बता रहा हूँ। अब मान लीजिए अबाउट अस वाला पेज को एडिट करना है तो आप अबाउट अस वाले पेज पे क्लिक कीजिए। अब जो भी आपका अबाउट अस है, आपकी कंपनी का अबाउट अस है, आपको चेंजेस करने के लिए यहाँ पे एडिट विथ एलिमेंटर पे क्लिक कर दीजिए और सारी चीज़ यहाँ पे जो जो चीज़ें दिया गया है आप उन सबको हटा सकते हैं और अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एलिमेंटर लोड हो रहा है मैं आपको बता रहा हूँ, तब मान लीजिए कि यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज चेंज करना है तो सेम प्रोसेस है, यहाँ पे अबाउट अस की जगह पे कुछ और डालना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, इसका इमेज यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं जो भी आपका इमेज हो। अब मान लीजिए कि मेरा इमेज यही है, मैं इस इमेज को यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। अब यहाँ पे मान लीजिए इनके बारे में कुछ ऐड करना हो तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब यहाँ पे आवर टीम, यहाँ पे जो भी आप चीज़ें चेंज करना चाहते हैं, इनका इमेज चेंज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे इमेजेस रख सकते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट दिया गया है, डिस्क्रिप्शन दिया गया है और यहाँ पे फॉलोअर्स का जो बटन है आप इनको भी चेंज कर सकते हैं, इनका भी बैकग्राउंड इमेज चेंज कर सकते हैं।
सारे चीज अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हटा सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपका जैसे ही काम हो जाए तो आप यहाँ पे एग्जिट हो जाइए इस पेज को सेव करके। अब मान लीजिए यहाँ पे कंटेटस वाला पेज है तो आप कंटेटस पे क्लिक कीजिए और इस पेज को भी आप एडिट कर लीजिए एलिमेंटर से, यानी सारे चीज जो है डिजाइन एलिमेंटर से। आपको कोई टेक्निकल नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप का यहाँ पे कहानी है। यहाँ पे सिर्फ आपको जो भी रिक्वायरमेंट हो आप यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कुछ करना है या यहाँ पे इमेज फाइल रखना है तो आप यहाँ पे बिल्कुल ड्रैग एंड ड्रॉप वाला फॉर्मूला है, आप यहाँ पे ऐड एडिट डिलीट कर सकते हैं। ओके दोस्त, यहाँ से कोई आपको चीज हटाना है तो आप यहाँ पे डिलीट भी कर सकते हैं कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे कोई चीजें चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। यहाँ पे डिटेल्स रख सकते हैं या एक्स्ट्रा चीजों को आप डिलीट यहाँ से इस तरह से कर सकते हैं। ओके दोस्त, आप इस तरह से कर सकते हैं, आप अपने यहाँ पे डिटेल्स डाल दीजिए और इस पेज को अपडेट कर दीजिए, बस सिंपल कहानी है दोस्त। तो दोस्त आप इस तरह से अपने होम पेज का जो भी डिजाइनिंग है आप कर पाएंगे। अब यहाँ पे मान लीजिए कि अपने डैशबोर्ड के अंदर चलते हैं और वहाँ पे कुछ इंटरनल सेटिंग है उसको हम बता देते हैं। तो अपने डैशबोर्ड के अंदर चलते हैं, डैशबोर्ड में जब तक चलते हैं तब तक हम आपको एक चीज बता दें कि अगर आपको कोई भी थीम और प्लगइन आपको बाय करना है तो आप themeraja.com की वेबसाइट पे आ सकते हैं और यहाँ से बहुत ही कम प्राइस में GPL थीम और प्लगइन आप यहाँ से बाय कर पाएंगे। जैसे दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे 49 रुपये में 99 रुपये में यहाँ पे थीम और प्लगइन मिल जाता है। तो मैंने यहाँ पे आप अभी देखेंगे कि यहाँ पे 00 प्राइस दिखा रहा है क्योंकि मैं यहाँ पे मेंबरशिप ले रखा हूँ, इसलिए यहाँ पे 00 प्राइस दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे बहुत ही कम प्राइस में आपको यहाँ पे GPL थीम और प्लगइन आपको मिल जाता है 49 रुपये, 149 रुपये, 99 रुपये। तो दोस्त आप यहाँ से बाय कर सकते हैं themeraja.com की वेबसाइट से। ओके दोस्त, यहाँ पे जो भी थीम और प्लगइन आपको मिलता है बहुत ही कम प्राइस में मिलता है और 100% वायरस फ्री मिलता है। चलिए अपने टॉपिक पे चलते हैं। अब यहाँ पे अपनी वेबसाइट के डैशबोर्ड पे आ चुके हैं तो अपने को यहाँ पे WooCommerce का सेटिंग मिलेगा, इस पे आना है और आपको यहाँ पे सेटिंग्स पे क्लिक कर देना है। WooCommerce के सेटिंग पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो दोस्त आपको ये वाला ऑप्शन मिल जाएगा फ्रंट में ही। आपको क्या करना है कि अपना यहाँ पे एड्रेस डाल देना है, जो भी आपका बिलिंग एड्रेस है आप उसको डाल दीजिए। और यहाँ पे पूरा डिटेल्स डालने के बाद दोस्त आपको यहाँ पे मान लीजिए अगर डॉलर में यहाँ प्राइजेस हो रहा है तो दोस्त आप यहाँ से प्राइजेस का फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, जिस भी फॉर्मेट में करना हो आप कर सकते हैं। पाकिस्तानी, इंडियन या बांग्लादेश का जो भी फॉर्मेट है यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, आपके फॉर्मेट में यहाँ प्राइजेस शो होने लगेंगे। आप लेफ्ट और राइट में अपने पोजीशन सेट कर सकते हैं, किस पोजीशन में आपको इसका प्राइसिंग शो कराना चाहते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे प्रोडक्ट का ऑप्शन आएगा, इसको रहने दीजिए। आपको शिपिंग का ऑप्शन आएगा, इसमें इस शिपिंग वाले ऑप्शन को कैसे कस्टमाइज करते हैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैंने बना रखा है, आप उस वीडियो को, मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, तो आप इस वीडियो को देख के अपने शिपिंग वाले सेक्शन को कस्टमाइज कर पाएंगे क्योंकि यही 15 से 20 मिनट में मैंने बताया है इसको कस्टमाइज करना। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे पेमेंट्स पे आते हैं। इस पेमेंट्स के अंदर हम लोग सिर्फ आपको बताएंगे कि आप कैसे यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर ले सकते हैं। अगर आपको कोई भी पेमेंट गेटवे ऐड करना है, मान लीजिए कि UPI, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, तो उसके लिए दोस्तों मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है, उस वीडियो को मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, उस वीडियो को आप देख के आप अपने वेबसाइट में पेमेंट गेटवे लगा सकते हैं जिससे कि आप UPI, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड से पेमेंट ले सकते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि अगर आपको कैश ऑन डिलीवरी में पेमेंट लेना है तो दोस्तों आपको यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन है तो इस पर आपको इनेबल करना है और यहाँ से आप इसको इनेबल करने के बाद दोस्तों आप यहाँ से मैनेज कर पाएंगे जो भी चीज़ें मैनेज करना है, या UPI को कैसे ऐड करते हैं सिर्फ UPI को, तो इसके लिए भी मैंने सेपरेट वीडियो बनाया रखा है, उसको भी मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन दे दूंगा जहाँ से आप इस वीडियो को देख के अपनी वेबसाइट में UPI को इंटीग्रेट कर पाएंगे। इसके बाद दोस्तों हम आपको एक और चीज बता देते हैं कि आपको क्या करना है कि यहाँ पे ईमेल्स पे क्लिक करना है। ईमेल्स पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि यहाँ पे न्यू ऑर्डर का ऑप्शन मिलेगा, कैंसिल ऑर्डर का मिलेगा, फेल ऑर्डर का मिलेगा और यहाँ पे प्रोसेसिंग ऑर्डर का मिलेगा। तो आपको दोस्तों यहाँ पे क्या करना है कि न्यू ऑर्डर के सामने आपको यहाँ पे मैनेज पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे एक ईमेल आईडी डालना है जो कि आपको मान लीजिए कोई भी आपका ऑर्डर है तो उस ईमेल आईडी पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी कि इस चीज का ऑर्डर आ चुका है। तो यहाँ पे जो भी जिस भी ईमेल आईडी पे आप चाहते हैं ऑर्डर का नोटिफिकेशन तो आप उस ईमेल आईडी पे यहाँ पे डाल दीजिए। बाय डिफॉल्ट आप जिस भी जो ईमेल आईडी आप अपने वेबसाइट को क्रिएट करते समय डालेंगे वो ईमेल आईडी यहाँ पे शो होगा। तो आप मान लीजिए कि अगर आपका कोई ईमेल आईडी यहाँ पे चेंज करना है तो आप यहाँ पे डाल दीजिए और यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक कर दीजिए, बस इतना ही आपको काम करना है। और फिर चलते हैं यहाँ पे फिर से ईमेल आईडी वाले ऑप्शन पे आते हैं और मान लीजिए कि यहाँ पे फेल ऑर्डर का है तो आप ऐसे ही तीनों ईमेल आईडी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसके बाद नीचे में देखेंगे तो ये जो फॉर्मेट है ना तो यहाँ पे आप वेबसाइट का नाम डाल दीजिए, एक ईमेल आईडी डाल दीजिए। उसके बाद दोस्त आप यहाँ पे कलर इसका चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको कलर रखना हो, अपने जो एक ईमेल टेम्पलेट होगा उस ईमेल टेम्पलेट का एक कलर है। ओके दोस्तों, आप यहां से इसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपको मिल जाता है प्राइवेसी पॉलिसी का, अकाउंट्स का, तो आप यहां से उनको भी चेंज कर सकते हैं उन पेजेस को। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि प्रोडक्ट को ऐड कैसे करेंगे। तो प्रोडक्ट ऐड करने के लिए यहां पे प्रोडक्ट वाले ऑप्शन पे आप आएंगे, आप यहां पे ऑल प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो यहां पे आपकी वेबसाइट पे जितने भी प्रोडक्ट होंगे वो सारे प्रोडक्ट यहां पे शो हो जाएंगे। यहां पे दोस्तों मान लीजिए कि आपकी वेबसाइट पे इतने सारे प्रोडक्ट है, अब यहां पे जब हम लोग वेबसाइट बनाएंगे तो सारे प्रोडक्ट जो होंगे डमी प्रोडक्ट होंगे, तो आप इन सारे प्रोडक्ट्स को डिलीट कर सकते हैं। यहां पे ऑल सेलेक्ट कीजिए और यहां से मूव एंड ट्रांस पे क्लिक कर दीजिए, आपके साइट का सारे प्रोडक्ट्स डिलीट हो जाएंगे। अब मान लीजिए कोई एक प्रोडक्ट ऐड करना है तो हम चलते हैं कोई सी एक प्रोडक्ट को ओपन कर लेते हैं
और उसी प्रोडक्ट को हम आपको बता देते हैं कैसे ऐड करेंगे। अब यहाँ पे प्रोडक्ट को ऐड करने के लिए दोस्तों हम यहाँ पे करेंगे ऐड न्यू पे क्लिक। मान लीजिए कि हमें यही वाला प्रोडक्ट को ऐड करना है, तो इस टाइटल को आप कॉपी कर लेते हैं। आपके प्रोडक्ट का जो टाइटल हो आप उस टाइटल को आप यहाँ पे यूज करेंगे। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे हम टाइटल पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे इस प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, इस प्रोडक्ट के बारे में ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग नीचे में देखेंगे तो यहाँ पे कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, यहाँ पे जो चीज़ आप डालेंगे वो चीज़ यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के नीचे आएगा। तो यहाँ पे आप हेडिंग अगर वन आ रहा है तो इसको हेडिंग टू हम कर देंगे। इसके बाद दोस्त यहाँ पे कैटेगरी का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे कैटेगरी हम लोग देखेंगे तो ये वाला जिस कैटेगरी में होगा उसी कैटेगरी में इसको हम डाल देंगे। या तो आप कोई और मेंस जींस का कैटेगरी बना सकते हैं या क्लोथिंग का कैटेगरी बना सकते हैं या जो भी है उस कैटेगरी को अंदर इस प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे जींस है तो जींस वोमेंस का है, तो यहाँ पे जेंट्स का कोई जींस है तो उसको भी हम ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। ओके दोस्त आप इस तरह से, या अगर मान लीजिए कि कोई और जींस आपको कैटेगरी बनाना है तो आप इस तरह से यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं। यहाँ पे सब कैटेगरी, पेरेंट्स कैटेगरी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो मेंस के अंदर मैंने इसको क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पे प्राइसिंग आप इस प्रोडक्ट का डाल सकते हैं, लेकिन मान लीजिए कि ये जो अपना प्रोडक्ट है, ये जो पैंट है, तो इसका पैंट का साइज भी होता है, जो भी साइज होता है 28-32 जो भी। तो मान लीजिए कि वेरिएबल का ऑप्शन में डालना है तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे सिंपल प्रोडक्ट का ऑप्शन मिलेगा, लेकिन हम लोगों को क्या करना है कि वेरिएबल प्रोडक्ट्स में इसको सेलेक्ट कर लेना है। वेरिएबल में करने का मतलब ये होता है कि दोस्त इस प्रोडक्ट का जो भी साइज है हम लोग साइज में दे सकते हैं। तो यहाँ पे वेरिएबल पे हमने कर दिया। अब यहाँ पे अपने को क्या करना है, एट्रीब्यूट्स पे क्लिक कर देना है। एट्रीब्यूट्स पे करेंगे क्लिक तो यहाँ पे पहले से साइज है, तो दोस्त यहाँ पे हम एड न्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे एड न्यू पे क्लिक करने के बाद दोस्त अपने को यहाँ पे साइज डालने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे साइज कलर जो भी आपका हो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे हम साइज ही करते हैं और मैंने यहाँ पे साइज कर दिया। यहाँ पे वैल्यू के अंदर मैं डालता हूँ, वैल्यू डाल देता हूँ। अब तो यहाँ पे 28 डालते हैं। जिस तरह से मैं डाल रहा हूँ ना दोस्त, आपको भी इसी तरह से डालना है। यहाँ पे जो भी आपका वैल्यू है आप यहाँ पे कुछ इस तरह से वैल्यू ऐड कर सकते हैं। उसके बाद सेव एट्रीब्यूट्स पे क्लिक कर दीजिए। अगर आप कलर ऐड करना है तो आप यहाँ से कलर भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद वेरिएशन के अंदर हम लोग क्लिक करेंगे, यहाँ पे वेरिएशन पे आएंगे। वेरिएशन पे आने के बाद दोस्त हम यहाँ पे ऐड मैनुअली पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे दोस्त हमने जो साइज दिया था, तो दोस्त आप यहाँ पे देखेंगे साइज शो हो रहा है 28, 30, 32। तो मान लीजिए कि यहाँ पे हमने 28 को सेव किया और यहाँ पे सेव चेंजेस पे हम क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे 28 ऐड हो गया। उसके बाद दोस्तों मान लीजिए कि यहाँ पे इसका प्राइसिंग भी हम डाल सकते हैं, 28 नंबर का क्या प्राइस है। तो मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे 28 वाला को 400 प्राइस डाल दिए। अब यहाँ पे हम फिर से ऐड करते हैं। अब यहाँ पे हम ऐड करते हैं, मैंने 28 वाला को ऐड कर दिया। अब यहाँ पे फिर से हम ऐड मेनू पे क्लिक करते हैं, मैनुअली पे, और यहाँ पे इस बार हम डालते हैं 30। इस बार मैंने 30 कर दिया और यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक कर देते हैं। अब इसका जो प्राइसिंग होगा, यहाँ पे 30 वाला का प्राइसिंग हम डाल देते हैं 500। तो मैंने यहाँ पे 500 कर दिया और यहाँ पे एक और मैंने दिया था साइज, जिसका साइज था 32, तो उसको भी हम क्लिक करते हैं और उसका भी साइज देख लेते हैं। यहाँ पे 32 कर देते हैं और यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक कर देते हैं। इसका भी यहाँ पे प्राइस हम लोग सेट कर लेंगे। यहाँ पे मान लीजिए कि मैंने इसका प्राइस कर दिया 600। तो आप यहाँ पे साइज के हिसाब से भी प्राइस सेट कर सकते हैं या एक ही प्राइस पे आप सारे को कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इन सबको सेव चेंजेस पे क्लिक कर दिया और सेव कर दिया। अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट का इमेज होगा, मान लीजिए कि ये प्रोडक्ट का इमेज है, इस इमेज को हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ से अपलोड कर लेंगे, या अपने मीडिया लाइब्रेरी के अंदर जो प्रोडक्ट का इमेज है वो तो होगा ही। अब मान लीजिए जो इसका डिस्क्रिप्शन है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ये जो है, इस शॉर्ट डिस्क्रिप्शन को मैं यहाँ पे लेता हूँ और यहाँ पे आप नीचे में डालेंगे ना जो भी, वो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होता है। अब मान लीजिए कि इस प्रोडक्ट का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हो गया, फुल डिस्क्रिप्शन भी हो गया, कैटेगरी भी हो गया, यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट को भी ऐड कर दिया। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको शिपिंग का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे शिपिंग पे क्लिक करेंगे क्लिक तो यहाँ पे वेट, डायमेंशन ऐसा शिपिंग क्लास ऐड कर सकते हैं, जो कि आप WooCommerce में मैंने एक शिपिंग का ऑप्शन जो दिखाया था वहाँ पे इसको कॉन्फ़िगर करने के बाद दोस्तों यहाँ पे ऑप्शंस मिलता है आपको यहाँ पे ऐड करने का। इसके बाद दोस्तों हम लोगों का प्रोडक्ट का इमेज ऐड करना है, तो इसके लिए दोस्तों हम यहाँ पे सेट अप प्रोडक्ट इमेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ से अपने मीडिया से अपने कंप्यूटर से इस इमेज को अपलोड कर लेंगे। यहाँ पे अपलोड होने के बाद दोस्तों यहाँ पे हम सेट इमेज कर देंगे। अब मान लीजिए कि 4-5 इमेज हमें शो कराना है, तो यहाँ पे गैलरी वाला जो ऐड गैलरी इमेज का ऑप्शन है, तो यहाँ से हम लोग 4-5 इमेज ऐड कर लेंगे उसी पैंट का इमेज। मान लीजिए कि मैं डेमो में मैं यहाँ पे कुछ भी इमेज दे देता हूँ, आप अपने केस में सही इमेज दीजिएगा। मैंने यहाँ पे 3 इमेज को सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे ऐड न्यू, यहाँ पे मीडिया के अंदर इस तीनों इमेज को मैंने ऐड कर दिया। अब इतना काम करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक कर देना है। और जब आप यहाँ पे पब्लिश पे करेंगे क्लिक तो आपका जो प्रोडक्ट होगा वो ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा प्रोडक्ट ऐड हो चुका है। चलिए इसको हम ओपन करके देख लेते हैं, व्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं और चेक करते हैं कि हम लोगों का प्रोडक्ट किस तरह से शो हो रहा है। अब प्रोडक्ट जो अपना है कुछ इस तरह से दिख रहा है। इस तरह का दिखने का कारण ये है कि मान लीजिए कि यहाँ पे जो हम लोगों ने गैलरी में जो इमेजेस दिया था, एक गैलरी इमेज दिख रहा है। ओके दोस्तों, मैंने जो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के अंदर जो मैंने सिर्फ ये जो टाइटल डाला था वो वाला चीज़ जा रहा है। यहाँ पर रिलेटेड प्रोडक्ट्स हो रहे हैं, इस कैटेगरी से जो भी रिलेटेड प्रोडक्ट है वो चीज़ें शो हो रहे हैं।
और यहाँ पे अपना फुटर बार शो रहा है। अब यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, तो यहाँ पे मैंने दिया था 28, 30, 32 और यहाँ पे रिव्यूज़ के अंदर कोई रिव्यूज़ नहीं है क्योंकि अभी नया प्रोडक्ट है। अब यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे 400x600 यहाँ पे दिख रहा है ना। अब यहाँ पे हमने 28 नंबर का जो प्राइस दिया था यहाँ पे 600 है और यहाँ पे 30 का यहाँ पे जो प्राइस है 400 है, यहाँ पे मैंने वहाँ पे गलत थोड़ा प्राइसिंग कर दिया है। तो यहाँ पे अपने को प्राइसिंग को आप सेट कर सकते हैं, यहाँ पे 32 वाला को 500 है, 28 वाला को 600 है, यहाँ पे इस तरह से आप प्राइसिंग और साइज के हिसाब से प्राइसिंग मैंने सेट किया। मान लीजिए कि हमें 32 वाला नंबर बाई करना है तो यहाँ पे 3200 पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 500 में मिलेगा। अब यहाँ पे ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट जो है कार्ट के अंदर ऐड हो गया हो जाएगा। जैसे दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जो भी कस्टमर बाई करेगा, अब यहाँ पे व्यू कार्ट पे क्लिक करेगा तो यहाँ पे कार्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। अब दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे कि कार्ट पेज ओपन हो चुका है और यहाँ पे लेटेस्ट प्रोडक्ट भी यहाँ पे शो हो रहा है और बेस्ट सेलिंग भी प्रोडक्ट शो हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड में। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि मान लीजिए फ्री शिपिंग है और यहाँ पे चार्जेस जो है, और अब यहाँ पे देखेंगे कि फ्री शिपिंग है और यहाँ पे प्रोसीड टू चेकआउट पे हमें क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है कि जो भी अपना कस्टमर जो भी होगा कस्टमर अपना डिटेल्स डालेगा और इस प्रोडक्ट को बाय कर लेगा। तो यहाँ पे बहुत सारे पेमेंट गेटवे यहाँ पे दिखेंगे, लेकिन आपके केस में यहाँ पे सारे पेमेंट गेटवे नहीं दिखेंगे क्योंकि यहाँ पे मैंने इन पेमेंट गेटवे को इनेबल कर रखा है, इसलिए दिख रहा है। मान लीजिए कि हमने कैश ऑन डिलीवरी को इनेबल किया था, अब कैश ऑन डिलीवरी पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे प्रोडक्ट को ऑर्डर कर देंगे। यहाँ से कुछ इस तरह से यहाँ से प्रोडक्ट को कोई भी ऑर्डर कर पाएगा। तो ये जो प्रोडक्ट ऑर्डर होगा तो अभी आपको कैसे दिखेगा वो भी हम आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए प्रोडक्ट ऑर्डर हो गया है, अब आपको किस तरह से दिखेगा ये प्रोडक्ट। तो दोस्त आप मैंने यहाँ पे जो प्रोडक्ट ऐड करना बताया था ना, सेम ऐसे ही आप प्रोडक्ट ऐड कर पाएंगे। और मान लीजिए कि सिंगल प्रोडक्ट ऐड करना है तो दोस्त यहाँ पे वेरिएबल के जगह पे आप सिंगल प्रोडक्ट कर लीजिए और यहाँ पे वर्चुअल कर दीजिए और यहाँ पे मेन प्राइस डाल दीजिए और यहाँ पे डिस्काउंटेड प्राइस डाल दीजिए और इमेज उमेज आपको अपडेट कर दीजिए। सेम ऐसे ही कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे जो ऑर्डर होगा आपका ऑर्डर यहाँ पे आएगा, हुकमर्स पे आएंगे और ऑर्डर्स पे क्लिक करेंगे। वहाँ पे कोई भी ऑर्डर आएगा तो दोस्त आपके मेल पे नोटिफिकेशन चला जाएगा कि आपके साइट पे एक ऑर्डर है। अभी ये मैंने यहाँ पे जो 36 सेकंड पहले एक ऑर्डर किया था तो दोस्त आप यहाँ पे देखेंगे ये प्रोसेसिंग में है। अब यहाँ पे हम इस ऑर्डर को ओपन करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे कि किस चीज़ का ऑर्डर आया है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इस चीज़ का ऑर्डर आया है, तो अब आपको इस चीज़ को यहाँ पे एड्रेस आपको मिल जाएगा, इस एड्रेस पे डिलीवर करना है। तो यहाँ पे ईमेल आईडी फ़ोन नंबर आपको मिल जाएगा जिससे कि आप कस्टमर से संपर्क भी कर सकते हैं और कस्टमर के पास ये सारे प्रोडक्ट जो है डिलीवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रोसेसिंग के अंदर है, जब आपका प्रोडक्ट कस्टमर के पास पहुँच जाएगा तो दोस्त आप क्या करेंगे कि यहाँ पे जब कस्टमर रिसीव करेगा तो आप इस प्रोडक्ट को जो ऑर्डर है उसको कंप्लीट करके अपडेट कर देंगे, तो आपका यहाँ से ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्त आप इस तरह से अपने लिए बहुत ही बेहतरीन ई कॉमर्स साइट बना सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका मैंने बताया है। जो चीज़ें इस वीडियो में मैंने दोस्त नहीं बताया है उस चीज़ का मैं सेपरेट सेपरेट वीडियो बना के रखा हूँ इस चैनल पे। तो दोस्त आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल पे बहुत सारे ई कॉमर्स से रिलेटेड भी आपको वीडियो मिल जाएंगे जो कि आपको बहुत ही हेल्पफुल आपके लिए होगा। तो दोस्त आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको वीडियो पसंद आया तो दोस्त आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए ताकि आपके भाई को थोड़ा सा ऐसे ही मोटिवेशन मिलता रहे कि इस तरह का वीडियो लेके आता रहूं। और साथ में व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। चलिए दोस्त फिर मिलेंगे वीडियो में, तब तक जय हिंद।